हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को साउथ हॉल लेके जाने वाली हूँ, तो आइए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मिलके घूमते हैं साउथ हॉल। तो हम लोगों ने अपने साउथ हॉल की फूड जर्नी की स्टार्टिंग की गुरुद्वारा से, और यहाँ पे हम लोगों ने लंगर खाया। ये गुरुद्वारा लंदन की सबसे बड़ी गुरुद्वारा है, तो आप कभी भी लंदन आओ और आपको गुरुद्वारा आना हो तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू कम। तो हम लोग माथा टेक के खाना खा के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ बढ़ेंगे, और फिर इसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद सामने में श्री राम मंदिर भी है। इसकी बहुत 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 दिन बाद ये खा रहे हो, रियली हैप्पी। कम क्लोज। कैसा है ये कुरकुरे को देख के? ना याद आ गया मुझे एक कैट, टेढ़ा है पर मेरा है।
तो आफ्टर पानी पूरी और चाट हम लोग इंडियन ग्रॉसरी भी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो जो भी वेजिटेबल इंडिया में मिलता है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे, आटा चावल सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अगर लंदन आते हो तो नो नीड टू वरी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे मसाले। और ये फल जिन जिन को पता है कमेंट कीजिए, आई एम श्योर जो बिहार से होंगे उन्हें तो ये फल के बारे में ज़रूर पता होगा। जी मतलब जीनियस। ये क्या लिए हो आप? और स्टोर में पूजा आइटम भी अवेलेबल था, तो मैंने जो चाहिए था मुझे अपने पूजा के लिए, मैंने सब कुछ ले लिया यहाँ से। अभी बेसिकली हम लोग सरवना भवन में, तो ये है टमाटर चटनी और ये सांभर है। लेट्स सी, इडली तो अच्छा लग रहा है। इतने इतने दिन बाद आपको इडली खाने को मिला, क्या बोलना चाहोगे? यू कैन सी इट माय फेस राइट, आई एम सो हैप्पी। कैसा है? इज इट सच में? मेरा चटनी और आपका चटनी सेम है, ओनली दिस वन इज डिफरेंट। ये क्या है, मीठा है क्या? नहीं, टेस्टलेस है। और ये चटनी कौन सा है? दैट्स द पोड़ी पाउडर, स्पाइसी पोड़ी पाउडर। ओह या स्पाइसी, ओके इट्स जस्ट स्पाइसी। और आपको टेस्टलेस लगा? इसकी जस्ट बाद में ये क्या है, स्पाइसी लगा मेरे को। ठीक है। और मजे करो। ठीक है, मैं डोसा ट्राई करके बताती हूँ लोगों को कैसा है। ओके ठीक है। So I'm really happy. It's very crispy, such a way. बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे गोवन फिश भी अवेलेबल थी। और ये आपको अंधेरा देख के लग रहा होगा, हम लोग बहुत लेट नाइट गए थे वहाँ पे। हम लोग लेट नाइट नहीं गए थे वहाँ पे, जब हम लोग पहुँचे थे तो 4 o'clock बज रहा था। विंटर में जल्दी सनसेट हो जाता है लंदन में, और शायद उस दिन इट वॉज नॉट अ गुड डे, बहुत ही बारिश हो रही थी। मगर आप लोग के लिए वीडियो तो बनाना ही था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हिट लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हो तो आप करोगे। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, ये पार्ट ऑफ वन एपिसोड था, अभी लंदन पे और भी एपिसोड्स आने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे वाले ब्लॉग्स भी। चलिए मिलते हैं आप लोग।